सो गाइस उबालना शुरू हो गया है, तो इसको हिला हिला के पकाते हैं। कहीं पे दाना दाना सा रह गया। मैं उसको मैश कर रही हूँ। और मैं ये जो शुगर और मिल्क पाउडर रखी थी ये भी डाल दे रहा हूँ मैं इसमें। फूड कलर लास्ट में डालूंगी। देखो गाइस ऐसे हो रखी है, अभी मीठा कैसे हुआ देखो। एकदम गजब के हलवा बन गया, हलवा स्टाइल। अभी फूड कलर डालूंगी तो और कलर बहुत, वैसे तो नहीं भी डालेंगे तो चलेगा लेकिन कलर डाल देती हूँ। मेरे बेटा को वही कलर पसंद आता है उसको, क्योंकि वो मार्केट वाली हलवा है उसको बहुत पसंद है, घर का भी पसंद है। मैंने एक दो बार बना के खिलाई थी उसको। उसको गाजर का फैन हो गया वो। इसका पकने रहो, अभी थोड़ा गाढ़ा हो जाएंगे वो अपने आप पकेगी। थोड़ा ऐसे करके रख रहे हैं, अपने आप पकते रहेंगे 5-7 मिनट। जब तक उसका पानी कम नहीं हो जाते हैं तब तक उसको पकाते हैं। खुल के पकाने से ही वैसे तो वो ख़त्म होएंगे, पानी बंद करेंगे तो ज़्यादा पक जाएगा गाजर, एकदम मैश हो जाएगा। थोड़ा दाना दाना रहना चाहिए गाजर को। चलो तब तक ऐसे उबालते हैं 7-8 मिनट, पानी थोड़ा कम होने का इंतज़ार करते हैं।